नौ। मेघा घर पहुंची और ललिता बुआ के पास जा बैठी। मम्मी, मैं सोच रही हूँ कि इस लड़के को छोड़कर कोई और दूसरा बकरा देख लूं। ललिता बुआ चौंकी। क्यों, क्या हुआ? मेघा बोली, आज मिला था वो लड़का मुझे, कसम से कह रही हूँ मम्मी, वह तो हमसे भी ज्यादा जहरीला है। आपको पता है उसने मेरी कितनी बेइज्जती की। मेघा ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया, लेकिन 2000 रुपए वाली बात छुपा ली। ललिता बुआ हैरान सी रह गई। क्या, इस कदर बेइज्जती की उस लड़के ने मेरी बेटी की? उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कौन है वह, नाम बता, अभी उसके घर जाकर उसकी क्लास लेती हूँ। मेघा बोली, मम्मी नाम तक नहीं बताया उस लड़के ने, सच्ची बहुत अकड़ है उसमें। उसकी जिस भी लड़की के साथ शादी होगी ना, वो तो 4 दिन में ही जहर खाकर जान दे देगी। इसे बर्दाश्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है। मतलब इतना बेइज्जत कौन करता है यार? ललिता बुआ बोली, तू रुक, इस गरम दिमाग लड़के को तो मैं देखूंगी। मेरी फूल सी बच्ची को इतनी जलीकटी सुनाने की क्या जरूरत थी? ऐसा भी क्या पूछ लिया था तुमने? रहने दो मम्मी, वरना वह आपकी भी बोलती बंद कर देगा। क्यों खुद को उसके हाथों जलील करवाना चाहती हो? जब मुझे बिना कुछ कहे उसने इतना उल्टा सीधा बोल दिया, तो जब आप उसे डांटने की कोशिश करोगी तो सोचो कि आपका क्या हाल करेगा वो। ललिता बुआ सोच में पड़ गई। बात में तो दम है इसकी, कहीं सच में लड़के ने मेघा की तरह मेरी भी बेइज्जती कर दी तो? लेकिन इसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकती, मेरी बेटी को सरेआम बेइज्जत जो किया है। दोपहर को स्कूल की छुट्टी होने के बाद अरुषि विविधा के पास आई। आज आप मेरे साथ चलो ना मैम, विविधा बोली। नहीं, तुम्हारे भाई को मेरा वहां आना पसंद नहीं है, और अब तो मैं भी वहां नहीं आना चाहती। मुझे कोई शौक नहीं है उस इंसान के हाथों खुद को बार बार बेइज्जत करवाने का। मैं तो पहले भी नहीं आती, लेकिन उस रोज आ गई क्योंकि तुम्हें चोट लगी थी और वह भी घर पर नहीं था। पर अब तुम भी बिल्कुल ठीक हो और तुम्हारे भाई भी वापस आ चुके, तो अब मैं उस घर में कदम तक नहीं रखूंगी। आरुषि रोनी सूरत बनाकर बोली, मैम प्लीज। विविधा बोली, जिद मत करो आरुषि, तुम यहाँ मिल तो लेती हो मुझसे, और फिर भी अगर मन करे तो मेरे घर आ जाना। आरुषि बोली, और दयाल काका, वह कैसे मिलेंगे आपसे? विविधा मुस्कुरा दी, वो भी घर आ सकते हैं मेरे। दोनों बात करते हुए स्कूल से बाहर की ओर चल दी। वहीं कुछ दूरी पर विक्रम खड़ा था। उसकी नजर अब आरुषि के उदास चेहरे पर पड़ी तो सोचने लगा, आरुषि को क्या हुआ? लगता है इस टीचर की वजह से ही उदास है, इसी ने कुछ किया होगा जरूर। विविधा ने दूर से ही विक्रम को देखा तो आरुषि का हाथ छोड़ दिया। जाओ, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेरा और तुम्हारा साथ अब सिर्फ स्कूल तक रहेगा। वैसे भी कल तो तुम्हारा पक्का दोस्त ऋतिक वापस आ रहा है, तो अब तुम्हें हम लोगों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलेगी। उसी के साथ पढ़ने लिखने में वक्त निकल जाएगा तुम्हारा तो। आरुषि यह सुन मुस्कुरा दी। विविधा विक्रम की तरफ नाराजगी से देखते हुए अपनी स्कूटी की तरफ बढ़ चली। विक्रम उसे जाते देख सोच रहा था, मुझे एटीट्यूड दिखा रही है लड़की, इसकी हिम्मत तो देखो। वह तो आरुषि का लिहाज कर रहा हूं, वरना। तभी आरुषि उसके पास आकर खड़ी हो गई। विक्रम उसे देख गुस्सा छोड़कर शांत हो गया। क्या बात है, मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? आरुषि बोली, कुछ नहीं। विक्रम थोड़ा सख्ती से बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूं आरुषि, जवाब दो, किसी ने कुछ कहा? आरुषि धीरे से बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड ने मेरे घर आने से मना कर दिया है, क्योंकि आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हो। विक्रम यह सुनकर चुप पड़ गया। आरुषि ने नजरें उठाकर उसकी ओर देखा, आप यह नहीं पूछोगे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कौन है? नहीं, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड विविधा है। आरुषि मायूसी से उसे देखने लगी। विक्रम ने जब उसे खुद को यूं देखते पाया तो मन में ग्लानि के भाव उमड़ गए, जिससे वह असहज हो गया। चलो गाड़ी में बैठो, बातें बहुत बनाने लगी हो तुम। दोस्ती हम उम्र लोगों से होती है, वह मैम है तुम्हारी, बेस्ट फ्रेंड नहीं। आरुषि चुपचाप कार में जाकर बैठ गई।
विक्रम भी अपनी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। वह जैसे ही कार स्टार्ट करने को हुआ कि आरुषि बोली, अच्छा ठीक है, मेरी उम्र अभी छोटी है, लेकिन आप और वह तो दोस्ती कर सकते हो ना, आप क्यों नहीं कर लेते विविधा मैम से दोस्ती, क्यों हर वक्त डांटते रहते हो उन्हें? विक्रम ने आरुषि की ओर नाराजगी से देखा। मैं डांटता हूँ उसे? उसी ने बोला होगा यह सब तुम्हें? मेरे खिलाफ भड़काना चाहती है वो तुम्हें? आरुषि अचानक गुस्से से उसे बोली, उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, मैंने ही आपको हर वक्त उनसे लड़ते हुए देखा है, आप बहुत रूड हो इसलिए सब डरते हैं आपसे, और इसलिए मैम भी मुझसे दूर हो गई है। विक्रम को आरुषि का ये बर्ताव हैरान कर गया। वह अचंभे से पल भर को उसे देखता रह गया, फिर नजर हटा सामने सड़क की ओर देखने लगा। आरुषि को अब तक एहसास हो चुका था कि उसने विक्रम पर गुस्सा किया है। उसे डर लगने लगा था कि कहीं विक्रम उसे डांटने न लगे, लेकिन वह तो एकदम शांत था। कुछ पलों की खामोशी के बाद विक्रम ने कार स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़े। बीच रास्ते में आरुषि ने उसे सॉरी भी बोला, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। कल्पना कुछ देर तक सोच में डूबी रही, फिर अचानक से बोली, राजेंद्र और मेरी बेटी भी तो है, क्या नाम है उसका? बोलकर वह दिमाग पर जोर डालने लगी कि अजीत बोला, आरुषि, आरुषि नाम है उसका। कल्पना खुश होते हुए बोली, हाँ आरुषि, वह तो यही होगी ना, एकदम बेसहारा लाचार। मेरे पति के जाने के बारे में जैसे ही मुझे पता चला तो अगले ही पल मुझे ख्याल आया कि मेरी बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है, तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई उसके पास, उसे और उसकी जायदाद को संभालने। अजीत घृणा भरी नजरों से उसे देखने लगा। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि सिर्फ जायदाद हड़पने, लेकिन तुम्हें उस प्रॉपर्टी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि पहली बात कि तुम विनोद से शादी कर चुकी हो तो राजेंद्र की विधवा नहीं कहलाओगी, और दूसरी बात आरुषि तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेगी। कल्पना बेपरवाही से बोली, उसकी माफी सच में चाहिए भी नहीं मुझे, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, बस उसके सहारे से घर में घुसना है मुझे, दुनिया की नजर में तो मैं अभी भी राजेंद्र की विधवा हूँ। विनोद से शादी तो मैंने एक मंदिर में की थी, और यहाँ आने से पहले मैं शादी के सारे सबूत मिटा कर आई हूँ। अजीत बोला, और विनोद का बेटा पीयूष? वह बेचारा तो विदेश में शिफ्ट हो गया, ना उसे मुझसे मतलब, ना मुझे उससे मतलब। कल्पना उठ खड़ी हुई, और भूलो मत अजीत, आरुषि मेरी बेटी है, अपनी माँ को तड़पता नहीं देख पाएगी वो ज्यादा वक्त तक, चलती हूँ। कल्पना वहां से जाने लगी तो अजीत ने रोका, जा कहाँ रही हो? कल्पना बोली, अपनी बच्ची के पास, अपने पति के घर। मेरी बच्ची अकेली है और नाबालिग भी, तो उसकी और सारी जायदाद की जिम्मेदारी मेरी ही तो है। अजीत हंसते हुए खड़ा हुआ, वह कहावत नहीं सुनी है तुमने, शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। कल्पना ने बोला, कहना क्या चाहते हो तुम? अजीत बोला, दौलत के लालच में एक बात तुम भूल ही गई। क्या क्या भूल गई हूं मैं? राजेंद्र चौहान का बेटा, जिस जायदाद पर तुम्हारी नजर है उसी जायदाद का एक और वारिस है, और वह बच्चा नहीं बालिग है। कल्पना अब एकदम से बोल उठी, उस विक्रम चौहान की बात कर रहे हो? यह सुनकर अजीत जोर से हंसा, कमाल है ना कल्पना, तुम्हें अपनी बच्ची का नाम याद नहीं लेकिन विक्रम का नाम याद है। कल्पना बोली, बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि उसकी नजरों में मैंने अपने लिए बे इंतहा नफरत जो देखी है। हम भले ही अपने दोस्तों के नाम भूल जाएं, लेकिन दुश्मनों के नाम हमेशा याद रखने चाहिए। अजीत बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने। कल्पना बोली, लेकिन विक्रम तो 4 साल पहले ही जालंधर छोड़कर लुधियाना जा चुका है, उसका राजेंद्र से कोई मतलब नहीं था। अजीत बोलता है, लेकिन राजेंद्र चौहान ने उसे कभी नहीं छोड़ा, और तुम्हारे भागने के बाद तो वह राजेंद्र चौहान के लिए और भी प्यारा हो गया था। अब ना तुम्हारे पास जायदाद है और ना ही आरुषि। कल्पना हैरानी से बोली,
क्या मतलब है तुम्हारा? राजेंद्र का सबसे खास आदमी दयाल आरुषि को अपने साथ लुधियाना ले गया था राजेंद्र की मौत के बाद। इस बात को लगभग 2 महीने हो चुके हैं। तुम अपना वक्त जाया कर रही हो। कुछ और तरीका सोच लो पैसा कमाने का, क्योंकि तुम भी जानती हो और मैं भी कि विक्रम चौहान तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं देगा। कल्पना बोलती है, जानती हूँ, लेकिन उससे मांगेगा कौन? मैं तो बस एक ही चीज जानती हूँ और वो है छीनना। अभी कहीं और जा रही हूँ, फिर सीधे लुधियाना। जल्दी ही आरुषि को वापस लेकर आऊंगी, अजीत कहता है। इंतजार रहेगा। घर आकर आरुषि ने दयाल काका को बताया कि विविधा ने घर आने से मना कर दिया है, अब तो गिफ्ट भी नहीं लेंगी। आरुषि ने यह भी बता दिया कि कैसे उसने विक्रम पर गुस्सा किया, लेकिन विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे घर के बाहर छोड़कर चला गया है। वह उदास हो अपने कमरे में चली गई। विविधा घर पहुंची और कपड़े चेंज कर छवि जी के पास जाने को उनके कमरे में गई तो सामने ललिता बुआ और ब्रजेश जी बैठे दिखे। उन्हें देख वह जैसे ही वापस लौटने लगी कि ललिता बुआ ने उसे टोका। अरे विविधा, गुड़िया जरा इधर तो आओ, ऐसे मुझे देख कहाँ वापस जा रही हो? बुआ जी की तरफ देख मुस्कुराने के बाद विविधा बोली, नहीं बुआ, वह तो मुझे माँ से काम था तो इसलिए वापस जा रही थी। ललिता बुआ बोली, छवि तो किचन में चाय और गर्मा गर्म भजिया बना रही है, तुम जरा हमारे साथ बैठो। विविधा का जरा भी मन नहीं था, लेकिन तब तक ब्रजेश जी बोल पड़े, आ भी जाओ, बुआ कब से कह रही है बड़ों की बात नहीं टाला करते। विविधा ना चाहते हुए भी उनके पास जा बैठी। ललिता बुआ की नजर विविधा को पहने हुए ब्लू टॉप पर पड़ी तो बोली, बेटिया तुम अब बड़ी हो गई हो, देखो तो जरा कितनी छोटी बाजू है इसकी, भले घर की लड़कियों को यह सब शोभा नहीं। वह पूरी बात भी नहीं बोल पाई थी कि विविधा मुस्कुराते हुए बोली, बुआ जी दरअसल यह टॉप मेरा नहीं, मेघा दी का है। इसे खरीदने के 1 महीने बाद ही उनका इससे मन भर गया था तो ये मुझे दे दिया और मैं इसे घर में ही तो पहन रही हूँ। ललिता बुआ पूरी तरह सकपका गई, फिर बात संभालने की कोशिश करते हुए बोली, मन नहीं भरा था, मैंने ही बोला था उसे कि बाजू सही नहीं है, तुम पर ज्यादा अच्छा लगेगा ये टॉप, और क्या पता बाजू सही आए तेरे, लेकिन तेरे साथ भी यही दिक्कत हो रही है। विविधा अब उठ खड़ी हुई, बुआ जी मैं आपके ठूसने के लिए, मेरा मतलब है खाने के लिए भजी और चाय लाती हूँ। वह अब कमरे से बाहर निकल गई। ब्रजेश जी बोले, अरे दीदी आप ना बहुत परेशान होती हो, बच्चियों को थोड़ा बहुत फैशन कर लेने दिया करो, शादी के बाद भला कहाँ वक्त होगा यह सब करने का इनके पास। ललिता बुआ हंस दी, मेघा को तने ही बिगाड़ रखा है लाड प्यार में, तभी तो मॉडर्न कपड़े पहनती है, कहती है मामा जी ने परमिशन दे रखी है। ब्रजेश जी बोले, आप भी तो मेघा से ज्यादा विविधा के बारे में सोचती हो। दयाल काका ने अब विक्रम को फोन किया, उसने कार एक साइट पार्क की और कॉल रिसीव की। दयाल काका बोले, बिल्कुल अपने जैसा ही बनाने का इरादा है क्या आरुषि को? जानते भी हो कितनी गुस्सा हो गई है वह, और वो भी तुम्हारी वजह से। विविधा ने भी यहाँ आने से मना कर दिया है तुम्हारी कड़वी बातों की वजह से। विक्रम गुस्से से गरजा, तो ना आए, हमें भी भला कौन सा फर्क पड़ता है, मैं मेरी बहन का ख्याल खुद रख सकता हूँ, बाहर वालों की जरूरत नहीं है मुझे। दयाल काका बोले, विक्रम तुम। विक्रम ने उनकी बात काट दी, ऑफिस जा रहा हूँ, फालतू की बहस के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। आरुषि को आज थोड़ा बाहर घुमाने ले जाइएगा, थोड़ा मन बहल जाएगा। विक्रम ने कॉल कट कर मिस्टर गुप्ता को फोन किया, हेलो अंकल, मैं कल जालंधर आ रहा हूँ, आप बस सारे पेपर्स तैयार रखिएगा। उधर दयाल काका सोचने लगे, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इनका, लेकिन क्या? किचन में विविधा छवि जी से ललिता बुआ की शिकायत कर रही थी, जब देखो हर बात पर टोकती रहती है, जैसे पूरी दुनिया की लड़कियों का ठेका इन्होंने ही ले रखा है सिवाय अपनी बेटी को छोड़कर,
इन्हें चाय और भजिए दो ताकि यह सब ठूस कर मंत्रा बुआ यहाँ से जाए, वरना बाऊ जी के दिमाग में पता नहीं क्या क्या भरती रहेंगी तब तक। छवि जी भी हंसने लगी। तू परेशान मत हो, यह तो इनका रोज का है। अपने कमरे में जाकर आराम कर, मैं कुछ देर में तेरे लिए भी लाती हूँ। मुझे पता है कि तुझे मेरे हाथ के भजिए बहुत पसंद है, इन्हें खाकर तेरा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। विविधा वहां से निकल अपने कमरे में आकर लेट गई और आंखें बंद कर थोड़ी देर सोने की कोशिश करने लगी कि उसकी नजरों के सामने विक्रम का चेहरा आ गया। वह हड़बड़ा कर आंखें खोल उठ बैठी। हे भगवान, राहु केतु जैसी यह दोनों माँ बेटियां क्या कम थी मेरी जिंदगी में, जो इस शनि जैसे विक्रम को भी भेज दिया आपने और शनि राहु केतु की तिगड़ी ही बना दी। बेचारी आरुषि कितना उदास हो रही थी, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी, मेरी भी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। आरुषि मुझसे स्कूल में मिल लिया करेगी और दयाल अंकल, वो भी तो कभी मुझसे मिल सकते हैं। कम से कम उस ड्रैकुला 2.0 का चेहरा तो नहीं देखना पड़ेगा मुझे। तकरीबन आधे घंटे बाद ललिता बुआ अपना छोटा सा पेट भरकर वहां से रवाना हो गई और ब्रजेश जी अपने हिसाब किताब में जुट गए। छवि जी और विविधा साथ बैठकर चाय भजिए का आनंद लेने लगी। छवि जी बोलती है, क्या बात है विविधा, कुछ शांत लग रही हो। ऐसी तो कोई खास बात नहीं है, छवि जी बोली। कैसी भी हो बता दो। विविधा ने उन्हें बताया कि आज कैसे उसने आरुषि को साफ मना कर दिया है कि वह उसके घर नहीं आएगी, लेकिन आरुषि की उदासी उसे अच्छी नहीं लग रही थी। छवि जी बोली, सब सही हो जाएगा, बच्ची है वो, संभल जाएगी। दोनों माँ बेटी अभी आपस में बात कर रही थी कि दयाल काका का फोन आया। विविधा ने कॉल रिसीव की। वह कुछ बोलती कि दूसरी तरफ से दयाल काका के बुरी तरह खांसने की आवाज आई। विविधा ये सुन परेशान हो गई। अंकल क्या हुआ है आपको? दयाल काका बोले, कुछ नहीं, थोड़ी तबीयत खराब हो गई है, पूरा बदन टूट रहा है, लगातार बुखार भी है थोड़ा। विक्रम तो यहाँ है नहीं, ऑफिस में है, उसे परेशान नहीं कर सकता। फैमिली डॉक्टर भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा। आरुषि बिटिया अभी बच्ची है तो सोच रहा था कि तुम यहाँ आ जाओ तो तुम्हारे साथ डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। विविधा काका के झूठ को समझ गई। अंकल प्लीज बंद कीजिए नाटक, बहुत पुराना तरीका है, या साफ पता चल रहा है कि यह सब आपके दिमाग में पक रही खिचड़ी का नतीजा है। आरुषि ने बताया होगा आपको कि मैं अब उस घर में नहीं आऊंगी, तो इसलिए आपको यह नाटक सूझ रहा है, लेकिन मैं भी टीचर हूँ, शैतान बच्चों की शैतानियां अच्छे से पकड़ लेती हूँ। दयाल काका और छवि जी विविधा की इस बात पर हंसने लगे। दयाल काका बोले, अब तुमने जब पकड़ ही लिया है तो मेरी भी मजबूरी समझो, सीधा सीधा अगर घर आने के लिए बोल देती तो मैं क्यों नाटक करता, इस उम्र में ही यह सब करना ही बाकी रह गया था। तुम्हारी नाराजगी विक्रम से है, आरुषि को क्यों बीच में ला रही हो, बहुत मानती है तुम्हें। विविधा बोली, मैं भी आरुषि के प्यार की कद्र करती हूँ अंकल, पर ऐसे खुद को बार बार बेइज्जत नहीं करवा सकती, आपके लाडले के हाथों। आप दोनों जब चाहें मुझसे मिल सकते हैं, लेकिन आपके बेटे की बातें मेरा दिमाग खराब कर देती है, और सच कहूं तो बातों की भी जरूरत नहीं है, उसका चेहरा ही काफी है दिमाग खराब करने के लिए। आप बेवजह परेशान होना बंद कीजिए, यह सब करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। दयाल काका ने फोन रख दिया और सोचने लगे, लगता है कोई और ही तरीका अपनाना होगा। मिस्टर गुप्ता अपने ऑफिस में कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे थे कि तभी वहां सफेद साड़ी में लिपटी कल्पना पहुंच गई। मिस्टर गुप्ता उसे वहां देखकर दंग रह गए। कल्पना आकर उनके सामने बैठ गई और दुखी होते हुए बोली, कैसे हैं आप भाई साहब? मिस्टर गुप्ता अपनी हैरानी छुपाते हुए बोले, ठीक ही हूं, लेकिन आप यहाँ, वो भी इतने समय बाद? कल्पना ने घड़ियाली आंसू बहाने शुरू कर दिए। तो और कहाँ जाऊं भाई साहब, मेरा तो सब कुछ लुट गया है। इतनी बदकिस्मत हूं मैं कि मेरे पति को मरे 2 महीने हो गए और मुझे अब यह बात पता चल रही है। वह अकेले क्यों चले गए, मुझे भी साथ लेकर क्यों नहीं गए? मिस्टर गुप्ता थोड़ा गुस्से में बोले, माफ कीजिएगा, लेकिन इतनी फिक्र थी आपको राजेंद्र की, तो क्यों गई थी उन्हें छोड़कर?
अपना आंसू पोंछते हुए बोली, छोड़कर नहीं गई थी, बल्कि मुझे खुद राजेंद्र ने मजबूर किया था वहां से जाने को। आप सभी लोगों के सामने तो वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था, लेकिन अकेले में मुझ पर गुस्सा होता, क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी वजह से उनका बेटा उनसे दूर हो चला था। जब प्यार हम दोनों को ही हुआ था तो सिर्फ सजा मेरी अकेले की ही क्यों बनती है। मैंने तो पहले ही मना किया था कि बाद में शादी कर लेंगे, लेकिन वह नहीं माने और विक्रम की माँ की 13वीं होने से पहले ही शादी कर ली और बाद में अपनी गलती का गुस्सा मुझ पर निकालने लगे। एक दो बार तो मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश भी की। बड़ी मुश्किल से जान बचाई थी मैंने। घर की बातें कभी बाहर नहीं लाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त मजबूर हूँ। उस रात भी उन्होंने ही मुझसे कहा था कि सब कुछ छोड़कर चली जाऊं यहाँ से। वह मेरी शक्ल तक नहीं देखना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैं यहाँ से नहीं गई तो वह अगले दिन मुझे और आरुषि दोनों को धक्के मार कर निकाल देंगे। अपनी बेटी को मैं दर दर की ठोकरें खाते भला कैसे देख सकती थी। इसलिए उसके सुनहरे भविष्य और अपने पति की खुशी की खातिर मैं घर छोड़कर चली गई। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले दिन सुबह राजेंद्र लोगों से यह कहेंगे कि मैं खुद ही उस घर को छोड़कर चली गई हूँ। खैर, मैंने वह बदनामी भी अपने सर ले ली और दर दर की ठोकर खाती रही पिछले 3 साल, लेकिन इस ओर कभी मुंह नहीं किया। हरिद्वार में अपना बचा खुचा जीवन काट रही थी, लेकिन अभी पता चला कि मेरी बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया है, तो फिर रहा नहीं गया और मैं लौट कर यहाँ आ गई। यहाँ आकर पता चला कि आरुषि यहाँ नहीं है। कहाँ है मेरी बच्ची? मुझे मेरी बच्ची दिलवा दीजिए भाई साहब। कल्पना फूट फूट कर रोने लगी। उसे ऐसे ही रोते देख मिस्टर गुप्ता भी अब कंफ्यूज हो गए थे कि उन्हें जो पता था वह सही था या जो अब कल्पना बता रही है वह सही है। वह बस इतना ही बोले, आरुषि विक्रम के पास है। कल्पना बोली, मैं अपनी बेटी को ले जाने आई हूँ। जानती हूँ कि राजेंद्र ने मेरी तरह मेरी बेटी को भी कुछ भी हक नहीं दिया होगा। अगर कुछ दिया होगा तो उसकी जिंदगी कट जाएगी, और अगर नहीं दिया होगा तो मैं अपनी आरुषि को अपने साथ ले जाऊंगी। मेहनत मजदूरी करके पालूंगी अपनी बेटी को। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना ही किसी से कोई गिला शिकवा है। सब कुछ राजेंद्र का ही था, तो वह जिसे जो देना चाहते थे दे दिया। आप तो जानते हैं विक्रम की नफरत मेरे लिए। कहीं वो मेरी बेटी पर मेरा गुस्सा ना उतार दे, इसलिए आपके पास फरियाद लेकर आई हूँ। मेरा इंसाफ कीजिए, मुझे मेरी बेटी दिलवा दीजिए। मिस्टर गुप्ता बोले, राजेंद्र भाई साहब ने अपनी जायदाद 2 बराबर हिस्सों में बांटी है। आरुषि और विक्रम दोनों को आधा आधा हिस्सा दिया है जायदाद का, और आरुषि के बालिग होने तक उसकी जिम्मेदारी विक्रम पर है। यह सुनकर कल्पना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि आरुषि के नाम पर आधी प्रॉपर्टी है, लेकिन इस विक्रम नाम की मुसीबत का क्या। खैर, इस 50% प्रॉपर्टी को 100% करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, वह दुखी होने का नाटक करते हुए बोली। विक्रम पर मुझे भरोसा नहीं, मुझे बस मेरी बेटी के साथ रहने दिया जाए। एक कोने में पड़ी रहूंगी और बेटी की शादी के बाद घर से चुपचाप चली जाऊंगी। मिस्टर गुप्ता बोले, मैं विक्रम तक आपकी बात पहुंचा दूंगा, आगे फिर वो जाने। कल्पना बोली, ठीक है, मैं कुछ दिन इंतजार करती हूँ आपके भरोसे, वरना विक्रम के घर की दहलीज पर ही बैठी रहूंगी जब तक वो मुझे मेरी बेटी नहीं लौटा देता। राजेंद्र जैसे भी थे, पिता थे, तो तसल्ली थी कि कुछ गलत नहीं होगा उसके साथ, लेकिन विक्रम सौतेला है, उस पर मैं भरोसा नहीं कर सकती। मिस्टर गुप्ता तैश में बोल पड़े, वही सौतेला भाई आरुषि को सारी प्रॉपर्टी दे रहा है। पिछले 2 महीने से आरुषि उसके साथ रह रही है। कल्पना बोली, मुझे भरोसा नहीं किसी पर। वह उठकर वहां से चली गई। मिस्टर गुप्ता ने अब अपना फोन उठाया कि विक्रम को कल्पना के लौटने के बारे में बता सके, लेकिन अगले ही पल उसे वापस टेबल पर रख दिया कि जब कल विक्रम यहाँ आएगा तब सामने से बात कर लेंगे। रात को दयाल काका, विक्रम और आरुषि डिनर कर रहे थे। विक्रम बोला, काका, कल दोपहर में मैं जालंधर जा रहा हूँ मिस्टर गुप्ता से मिलने। आगे से आप ही आरुषि को स्कूल लेने और छोड़ने जाया करें।
मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं, और मैं यह भी नहीं चाहता कि मेरे गुस्सैल रवैया का खामियाजा कोई और भुगते, आरुषि धीरे से बोली। सॉरी भैया, मेरा वह मतलब नहीं था, विक्रम बोला। तुम ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो, अपना ध्यान बस पढ़ाई पर लगाओ। इतना सुनना था कि दयाल काका की आंखें शरारत से चमक उठी। मिल गया तरीका विक्रम और विविधा को एक दूसरे से जोड़े रखने का। अगले दिन विक्रम दोपहर को ऑफिस का काम खत्म कर जालंधर निकल गया था। विक्रम मिस्टर गुप्ता के यहाँ पहुंचा, जो तकरीबन 4 साल बाद उससे मिलकर काफी खुश थे। कुछ वक्त हाल चाल और इधर उधर की बातों के बाद मिस्टर गुप्ता ने उसे प्रॉपर्टी के सारे पेपर्स दे दिए। मिस्टर गुप्ता बोले, तुम्हारे कहे मुताबिक मैंने पेपर्स बना दिए हैं, जिसके मुताबिक सारी जायदाद आरुषि के नाम हो जाएगी। एक बार फिर सोच लो विक्रम। विक्रम बिना कोई जवाब दिए पेपर्स देखने लगा। कुछ वक्त वह सारे पेपर्स पढ़ जैसे ही उन पर साइन करने को हुआ कि मिस्टर गुप्ता एकदम से बोल पड़े, कल्पना वापस आ गई है। इतना सुनना था कि विक्रम के हाथ साइन करने से रुक गए। वह अविश्वास से मिस्टर गुप्ता को देखने लगा। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। भाग 10। प्रॉपर्टी पेपर साइन करते हुए विक्रम के हाथ अचानक से रुक गए। उसने हैरानी से मिस्टर गुप्ता की ओर देखा और एक बार अपनी तसल्ली के लिए पूछा, कल्पना? कौन कल्पना? मिस्टर गुप्ता बोले, वही आरुषि की मां। विक्रम के चेहरे की हैरानी के भाव अब गुस्से में बदल गए। वह खुद को काबू में करने की कोशिश करते हुए बोला, अब क्या लेने आई है वो औरत यहाँ पर? मिस्टर गुप्ता बोले, कल ही आई थी वो, विक्रम नाराज होते हुए बोला। आपने मुझे कल ही क्यों नहीं बताया? मैं उसे जेल की सलाखों के पीछे डलवा देता। उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ वापस लौटने की? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया था उसने, अब क्या लेने आई है यहाँ? मिस्टर गुप्ता ने सब कुछ कह सुनाया। विक्रम बोला, और आपको उसकी कहानी पर भरोसा हो गया? अरे उसके तो चेहरे से ही लालच झलकता है, वह झूठ बोल रही है। उसकी कहीं किसी भी बात पर मैं यकीन नहीं कर सकता। वह सिर्फ आरुषि के हिस्से की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए यहाँ आई है। अगर वह औरत आरुषि की सच में परवाह करती तो कभी उसे छोड़कर नहीं जाती, और मुझे नहीं लगता कि उसके जैसी औरत को आरुषि की जरा भी परवाह है। उसे लगता है कि इस पूरी दुनिया में उसी के पास दिमाग है, बाकी सब तो बेवकूफ है जो उसकी बातों में आ जाएंगे। लेकिन वह यह भूल गई कि इस बार उसके सामने राजेंद्र चौहान नहीं बल्कि विक्रम चौहान है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगा अपने जीते जी उस औरत को। विक्रम ने प्रॉपर्टी पेपर्स उठाकर फाड़ दिए और उन्हें पास ही रखे डस्टबिन में फेंक दिया। मिस्टर गुप्ता बोले, उसका कहना है उसे अपनी बेटी चाहिए, प्रॉपर्टी नहीं। विक्रम चीखते हुए बोला, उसे कुछ नहीं मिलेगा, ना उसे बेटी मिलेगी और ना ही प्रॉपर्टी मिलेगी। अगली बार जब वह यहाँ पर आए तो कह दीजिएगा कि विक्रम ने उसे कुछ भी देने से मना कर दिया है, और आरुषि अब मेरी जिम्मेदारी है जिसे मैं किसी भी हाल में नहीं छोड़ूंगा। उसे जो करना है कर ले, लेकिन आरुषि मेरे ही साथ रहेगी। जो वसीयत आरुषि के पापा ने बनाई है फिलहाल वही रहेगी। इस जायदाद का आधा हिस्सा मैं अपने पास ही रखूंगा, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक कि कल्पना नाम की मुसीबत आरुषि की जिंदगी से दूर नहीं चली जाती। विक्रम मिस्टर गुप्ता के यहाँ से निकलकर बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वह लुधियाना के रास्ते में था। उसे एक बार फिर वह सब याद आने लगा जो 4 साल पहले हुआ था। विक्रम को आरुषि की चिंता होने लगी थी। उसे डर था कि कहीं कल्पना आरुषि के पास नहीं पहुंच जाए और फिर वह अपनी माँ की बातों में ना आ जाए। इतनी मुश्किल से तो उसने खुद को आरुषि के साथ जोड़ा था, एक छोटा सा परिवार बनाया था, लेकिन यह कल्पना वापस आकर उसे भी तोड़ना चाहती है। नहीं, वो यह हरगिज नहीं होने देगा। दोपहर को आरुषि और विविधा छुट्टी होने पर स्कूल से बाहर निकलने लगी। आरुषि को शांत देखकर विविधा ने पूछा, क्या बात है,
आज शांत लग रही हो? आरुषि बोली, भाई मुझसे थोड़ा गुस्सा है। विविधा हंसने लगी, इसमें नई बात क्या है? तुम्हारे भाई तो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं। आरुषि बोली, नहीं गलती मेरी थी। वह कैसे भला? आरुषि बोली, मैंने कल भाई पर थोड़ा सा गुस्सा कर दिया था, इसीलिए मुझसे नाराज है। उन्होंने रात को दयाल काका को कहा कि वो ही मुझे लेने और छोड़ने आएंगे स्कूल। विविधा गंभीर होकर बोली, लेकिन तुमने गुस्सा किया और सॉरी बोला या नहीं उनको? आरुषि बोली, मैंने सॉरी बोला था लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कह रहे थे कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दोनों बातें करती हुई स्कूल से बाहर निकली तो वहां दयाल काका दिखे। दयाल काका और विविधा एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। विविधा आरुषि का हाथ पकड़ उनके पास आई। सुना है कि अब से हर रोज आप ही आया करेंगे आरुषि को छोड़ने और ले जाने? दयाल काका बोले, बिल्कुल सही सुना है बिटिया। विविधा बोली, तो फिर इससे ज्यादा अच्छी बात और क्या होगी अंकल, क्योंकि अब मैं आप दोनों से ही रोज यही मिल लिया करूंगी। दयाल काका बोले, हाँ हमसे तो मिल लिया करोगी लेकिन विक्रम से तो नहीं मिल पाओगी ना। विविधा मुंह बनाते हुए बोली, उस महिषासुर से मिलना भी कौन चाहता है अंकल, जब देखो बस डराना और धमकाना। दयाल अंकल ने आरुषि को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और खुद विविधा को लेकर एक ओर हटकर बोले, तो तुम्हारे हिसाब से विक्रम बुरा इंसान है? विविधा बोली, ये ही सोच लीजिए। दयाल काका बोले, तो फिर तुम्हें उससे नफरत होगी ना, क्योंकि बुरे लोग तो इसी लायक होते हैं। विविधा अब थोड़ा हिचकिचा गई, नहीं तो मुझे क्यों नफरत होगी? दयाल काका हंस दिए, झूठी, वही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर विक्रम बुरा है तो तुम्हें तो उससे नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तुम मना कर रही हो। साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि बस शिकायत है उससे कि वो इतना गुस्सा क्यों करता है? कल ही कहा तुमने कि शरारती बच्चों को सुधारना जानती हो, तो सोच लो कि विक्रम एक जिद्दी बच्चा है, तुम्हें इस बच्चे को भी सुधारना चाहिए ना। विविधा कुछ पलों तक दयाल काका की बातों में उलझ गई, फिर झुंझलाहट में बोली, आप मुझे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं अंकल। दयाल काका बोले, मैं जो कह रहा हूँ सोचना जरूर उस बारे में। विविधा सोच में पड़ गई। दयाल काका उसे उसके हाल पर छोड़कर मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। स्कूल से आने के बाद आरुषि कुछ वक्त काका के साथ बैठी, फिर उठकर अपने कमरे में जाने लगी तो काका बोले, अभी थोड़ी देर पहले तो स्कूल से आई हो बेटा, अब कहाँ जा रही हो? आरुषि बोली, कल हमारा क्लास टेस्ट है मैथ का, बस उसी की तैयारी करने जा रही हूँ। दयाल काका यह सुन खुशी से उछले, अरे वाह बड़ी जल्दी मौका मिल गया। बिटिया रानी, मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम्हारी विविधा मैम और विक्रम भाई में दोस्ती हो सकती है। आरुषि बोली, लेकिन वो कैसे? दयाल काका ने उसे कुछ समझाया। आरुषि हैरान सी काका को देख रही थी, क्या यह प्लान सच में काम करेगा? बिल्कुल करेगा, बस जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। आरुषि बोली, ठीक है, भाई और विविधा मैम की दोस्ती करवाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शाम को विक्रम घर लौटा, उसे आते देख दयाल काका प्यार से बोले, आ गए बेटा। विक्रम बिना उनकी बात पर ध्यान दिए सीधे आरुषि के कमरे में चला गया। चंद लम्हों में वह वापस लौटा। आरुषि कहाँ है काका? काका उसे परेशान देखकर बोले, वो तो ऋतिक के घर गई है पढ़ाई करने, अभी थोड़ी ही देर हुई है। यह सुन विक्रम वापस बाहर की ओर चल पड़ा। दयाल काका ने उसे रोका, कहाँ जा रहे हो, अभी तो लौटे हो? विक्रम बोला, आरुषि को लेने जा रहा हूँ। दयाल काका चौंके, लेकिन क्यों, अभी कुछ देर पहले ही तो गई है वह। तो क्या हुआ, मैं ऋतिक को यहीं ले आऊंगा,
दोनों यही साथ में पढ़ लेंगे, लेकिन आरुषि कहीं बाहर नहीं जाएगी। दयाल काका बोले, क्या बात है, पहले तो तुम खुद ही उसे बाहर घुमाकर लाने के लिए कहते थे और अब उसे वापस लाने जा रहे हो। विक्रम गुस्से से बोला, क्योंकि उसकी माँ वापस लौट आई है। दयाल काका ने जब यह सुना तो दंग रह गए। विक्रम ने उन्हें सब कुछ कह सुनाया। दयाल काका बोले, उसकी बातों में मत आना, वह बहुत ही चालाक है। विक्रम बोला, जानता हूं, लेकिन उसे आरुषि नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमें आरुषि को उसकी पहुंच से बहुत दूर रखना होगा। अगर उसने पहला फुसला कर आरुषि को अपनी तरफ मिला लिया तो फिर हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आरुषि अभी बच्ची है, वह उसकी झूठी बातों में आ सकती है। दयाल काका बोले, हाँ, कल्पना कैसी भी है, लेकिन है तो आरुषि की माँ ही, रो धोकर उसे हमसे दूर कर सकती है। विक्रम बोला, नहीं, उस औरत ने पहले भी मेरा परिवार तोड़ कर रख दिया था, लेकिन अब उसे दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। विक्रम तेज कदमों से घर से बाहर निकल गया। दयाल काका निराश से वही एक ओर बैठ गए और सोचने लगे, पता नहीं यह औरत विक्रम से किस जन्म का बदला ले रही है। 4 साल पहले उससे उसका परिवार छीन लिया, उसे पूरी तरह बदल कर रख दिया। अकेले अंदर ही अंदर घुट कर जी रहा था वो। अब इन 2 महीनों में आरुषि के आने पर सोचा था कि इसकी वजह से ये फिर से पहले जैसा बन जाएगा। शायद आरुषि और विविधा के सहारे अपना बिक्कू वापस लाना चाहता था मैं, लेकिन ये औरत फिर लौट आई। पता नहीं अब क्या होगा। इतना तो मैं भी जानता हूं कि वो आसानी से नहीं मानने वाली। पैसे के आगे जब इसने बेटी को ही नहीं छोड़ा तो विक्रम तो फिर भी सौतेला है। विक्रम तो पहले से ही कल्पना से नफरत करता है। पता नहीं उसकी ये नफरत क्या क्या रंग दिखाएगी। दूसरी तरफ जालंधर में मौजूद कल्पना ने खाना पीना काफी कम कर दिया था, जिससे जब वह कुछ दिनों बाद आरुषि से मिलने जाए तो उसका उतरा चेहरा देख आरुषि को उसके लिए हमदर्दी हो सके। वह जानती थी कि विक्रम उसके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए वह अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। ललिता बुआ मेघा के साथ घर में बैठी पिज्जा का आनंद ले रही थी कि बाहर से ब्रजेश जी की आवाज आई, दीदी। उनकी आवाज सुनते ही ललिता बुआ ने मेघा को इशारा किया। अगले ही पल वो पिज्जा बॉक्स लेकर अंदर के कमरे में चली गई। ललिता बुआ उठी और बाहर की ओर चली कि ब्रजेश जी वहां पहुंचे। ललिता बुआ बोली, आओ छुटकन, बड़े दिनों बाद आया है आज तो तू। दोनों अब साथ बैठ गए। ललिता बुआ ने मेघा को आवाज दी, मेघा बेटा जरा एक कप चाय तो बना कर ला, देख तो जरा तेरे मामा जी आए हैं। अंदर कमरे में बैठ पिज्जा खाती मेघा ने मुंह बनाया, अब इनको चाय और बनाकर पिलाओ। उसने अंदर से ही आवाज दी, मम्मी दूध नहीं है घर में, भूल गई क्या? ललिता बुआ समझ गई कि उनकी बेटी चाय नहीं बनाना चाहती है, इसलिए ऐसा बोल रही है। ब्रजेश जी बोले, क्या हुआ दीदी, घर में दूध क्यों नहीं है? ललिता बुआ दुखी होने का नाटक करते हुए बोली, क्या बताऊं, पिछले महीने का हिसाब बाकी है, बोल रहा था कि पहले वो चुकाओ तब दूध मिलेगा, 2-4 दिन में कर लेंगे इंतजाम पैसों का, तब से ले लिया करेंगे। ब्रजेश जी नाराज से बोले, कमाल करती हो दीदी, ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ललिता बुआ बोली, जाने भी दे, हर छोटी बड़ी बात तुझे पता कर क्या परेशान करना है, तेरा अपना भी परिवार है। ब्रजेश जी बोले, तो क्या हुआ, आप भी तो मेरा परिवार हो। उन्होंने अपनी जेब से 5,000 निकालकर ललिता बुआ के हाथ में थमा दिए। ललिता जी ने ना नुकुर करते हुए पैसे ले लिए। ब्रजेश जी ने अब साथ लाए बैग से 1,00,000 रुपए निकालकर ललिता बुआ के हाथ में थमा दिए। अब आप जल्दी से आकाश की फीस भर दो। ललिता बुआ बोलती है, तेरी बीवी बेटी को दिक्कत होती है हमारी मदद करने से, तो क्यों करता है फिर तू ऐसे, तेरी दिक्कत नहीं बढ़ानी मुझे। ब्रजेश जी बोले, दीदी
वो लोग बुरे नहीं हैं, उन्हें बस ये लगता है कि आप मुझे लूट रही हो। आप उनकी बात का बुरा मत माना करो। ललिता बुआ बोलती है, मैं कहां बुरा मानती हूँ, अपनों का क्या बुरा मानना। ब्रजेश जी बोले, चलो दीदी मैं चलता हूँ। ललिता बुआ रोनी सूरत बनाते हुए बोली, कितनी बुरी हूं ना मैं, एक कप चाय भी नहीं पिला पाई मैं तुझे। ब्रजेश जी बोले, कोई बात नहीं दीदी। विक्रम आरुषि को लेकर वापस घर पहुंचा और दयाल काका से बोला कि आज के बाद आरुषि कहीं अकेले नहीं जाएगी, आप हर वक्त उसके साथ रहेंगे। दयाल काका बोले, ठीक है। विक्रम वहां से सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद आरुषि बोली, क्या बात है दयाल काका, भाई इतने परेशान क्यों हैं? और आप हर वक्त मेरे साथ क्यों रहेंगे, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं। दयाल काका बोले, बात तो कुछ नहीं है, वो बस तुम्हारी सुरक्षा चाहता है, थोड़ा पजेसिव है तुम्हारे लिए। आरुषि मुस्कुरा दी, क्या भाई इतना प्यार करते हैं मुझे। दयाल काका बोले, हाँ इससे भी ज्यादा प्यार करता है, लेकिन जता नहीं पाता। अच्छा तुम कमरे में जाओ, मैं रात के खाने का इंतजाम करता हूँ। विक्रम अपने कमरे में पूरी रात परेशान सा घूमता रहा। अगले दिन सुबह उसने दयाल काका को सख्त हिदायत दी कि जब तक आरुषि स्कूल के अंदर न चली जाए, आप वहां से हिलेंगे तक नहीं, और दोपहर में भी 10 मिनट पहले उसे लेने पहुंच जाया करेंगे। उन्हें समझा बुझाकर विक्रम घर से निकल गया। आरुषि दयाल काका के साथ विक्रम और विविधा की दोस्ती कराने के लिए बनाए प्लान को पूरा करने स्कूल के लिए निकली। कुछ काम के लिए विक्रम विविधा के मोहल्ले के पास में ही गया हुआ था कि वहां खड़ी अपनी पड़ोसनों से गप्पे लड़ाती ललिता बुआ की नजर उस पर पड़ी तो सोचने लगी, अरे ये तो वही लड़का है जो विविधा के साथ था उस रोज, इससे बात करके देखती हूँ कि आखिर माजरा क्या है, कहीं ये और विविधा सच में ही तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो विविधा को रास्ते से हटाना आसान हो जाएगा। ललिता बुआ विक्रम की तरफ चल पड़ी। विक्रम वापस अपनी कार की तरफ बढ़ा कि ललिता बुआ उसके रास्ते में आ खड़ी हुई। विक्रम ने उनकी ओर देखा तो वह मुस्कुरा उठी। विक्रम ने पहली ही नजर में उनकी नजरों में दिखते लालच के भाव को देख लिया। वह उन्हें बिना कोई प्रतिक्रिया दिए दूसरी तरफ हो गया और वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। ललिता बुआ ने जब ये देखा, कितना नकचड़ा लड़का है यह, इतनी भी तमीज नहीं है कि जब सामने खुद से बड़ी उम्र के लोग खड़े हों तो उनको इस तरह से इग्नोर नहीं करते हैं, बिल्कुल विविधा की तरह ही बदतमीज है। पर क्या करूं, इससे पता भी तो करना है कि विविधा और इसका चक्कर क्या है। बुआ एक बार फिर विक्रम के सामने आ खड़ी हुई। विक्रम जिसे जाने की जल्दी थी, बुआ को एक बार फिर सामने देख नाराज हो बोला, क्या परेशानी है आपको, यह क्या बार बार मेरे ही रास्ते में खड़ी हो रही है आप? पहले ही बता रहा हूँ कि अगर कोई चंदा वगैरह मांगने वाली हो तो इधर से निकल लो, चंदे के नाम पर अपनी जेबें भरना बंद करो। ललिता बुआ गुस्से से बोली, तुम्हें क्या मेरे हाथ में कटोरा दिख रहा है जो चंदा मांगने वाली बता रहे हो? विक्रम बोला, मैंने कब कहा कि आपके हाथ में कटोरा है, वो तो भिखारियों के हाथ में होता है ना, मैंने तो आपको चंदा मांगने वाला बोला था, लेकिन आपने तो खुद को ही। ललिता बुआ तिलमिलाकर रह गई, लेकिन अगले ही पल खुद को संभाल कर हंसते हुए बोली, तुम तो मजाक करते हो बेटा, अच्छा यह बताओ कि इतनी बड़ी गाड़ी तुम्हारी ही है क्या? विक्रम खींचते हुए बोला, नहीं यह मेरे मालिक की गाड़ी है, मैं इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ, और कुछ पूछना है आपको या मैं जाऊं? ललिता बुआ विक्रम की नाराजगी में कहीं बात को सच मान बैठी और अचंभे से बोली, क्या तुम तो काफी पढ़े लिखे लग रहे हो, और तुम ड्राइवर लोग कब से ऐसे सूट पहनने लगे? विक्रम बोला, क्योंकि मेरा मालिक बहुत पैसे वाला है और यही मेरी यूनिफॉर्म है। ललिता बुआ यह सुनकर हैरान रह गई और सोचने लगी कि जिस इंसान का ड्राइवर ऐसे सूट पहनता है
तो वह खुद कितने महंगे कपड़े पहनता होगा। अगर उस घर में मेरी बेटी मेघा की शादी हो जाए तो हमारा तो जीवन ही सफल हो जाएगा, वह खुश होते हुए बोली। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है कि तुम विविधा को कैसे जानते हो? विक्रम कुछ समझ पाता कि इतने में उसका एक जरूरी कॉल आ गया और वह बुआ को इग्नोर कर गाड़ी में बैठ वहां से निकल गया। ललिता बुआ एक बार फिर खुद को नजरअंदाज किए जाने पर चिढ़ गई। अरे निकल गया ये तो, ड्राइवर की अकड़ तो देखो, विविधा वाली बात का जवाब ही नहीं दिया, बड़ा बदतमीज लड़का है। इसी तरह बड़बड़ाते हुए बुआ अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में विक्रम को याद आया कि विविधा के मोहल्ले के बाहर मिली उस लेडी ने विविधा का नाम लिया था, वो क्यों भला उससे विविधा के बारे में पूछ रही थी? दोपहर को दयाल काका स्कूल की छुट्टी होने से 10 मिनट पहले ही वहां पहुंच गए थे। आरुषि और विविधा स्कूल से बाहर निकलकर दयाल काका के पास आ गए। काका से थोड़ी देर बात करने के बाद विविधा अपने रास्ते निकल पड़ी। दयाल काका ने आरुषि की तरफ देखा। काम हो गया बिटिया? आरुषि जो विविधा के सामने मुंह लटकाए खड़ी थी हंसते हुए बोली, हो गया काका, चलिए अब आगे का प्लान शुरू करते हैं। वैसे बहुत डांट पड़ी है मुझे आज इस प्लान की वजह से, दयाल काका बोले। बस एक बार की बात थी बेटा, फिर तो सब सही हो जाएगा। दोनों वहां से वापस घर की तरफ चल दिए। ललिता बुआ अपने घर पहुंच मेघा के पास आ बैठी। उन्हें खुश देखकर मेघा बोली, क्या बात है मम्मी, आज तो आप बड़ी खुश लग रही हैं। ललिता बुआ बोली, बात ही ऐसी है, मैंने बताया था ना उस रोज कि विविधा को किसी गाड़ी वाले लड़के के साथ आते देखा था। मेघा बोली, हाँ क्या हुआ? अभी मोहल्ले के बाहर मिला, मैं तो सोच रही थी कि विविधा ने किसी पैसे वाले को अपने जाल में फंसाया है, लेकिन वह तो ड्राइवर निकला। अब ब्रजेश को जाकर बोलूंगी कि विविधा का किसी ड्राइवर से अफेयर चल रहा है, इससे हमारा हर हाल में फायदा होगा। बदनामी के डर से ब्रजेश विविधा की शादी या तो उस ड्राइवर से कर देगा, और वह ड्राइवर तो बहुत ही बदतमीज है। विविधा कभी खुश नहीं रहेगी ऐसे लड़के के साथ, या फिर मेरे लाए रिश्तों में से किसी से भी विविधा की शादी हो सकती है, जिससे मेरा कमीशन भी पक्का हो जाएगा। विविधा नाम की मुसीबत से हमें जल्दी ही छुटकारा मिल जाए, फिर अकेली छवि हमारा क्या कर लेगी। मेघा बोली, मम्मी आपने तो कमाल कर दिया, लेकिन क्या पता कि विविधा और उस ड्राइवर का आपस में कोई कनेक्शन ही ना हो। ललिता बुआ बोली, ना हो इससे हमें क्या, हमें तो बस अपना काम निकालने से मतलब है। अभी कुछ दिन में आस पड़ोस की लेडीज को बताऊंगी कि विविधा का एक लड़के से अफेयर चल रहा है, जब लोग इस बारे में आपस में बातें करने लगेंगे तब जाकर मैं ब्रजेश से कहूंगी कि तुम्हारी बदनामी हो रही है, और इससे बचने के लिए एक ही तरीका है कि विविधा की शादी कर दो, फिर ब्रजेश को जल्दी में विविधा की शादी करनी ही होगी। मेघा बोली, और फिर मामा जी के पैसों से आप मेरी शादी धूमधाम से करना। ललिता बुआ बोली, और नहीं तो क्या, अपनी राजकुमारी के लिए राजकुमारी लाऊंगी। वैसे बेटा तू एक बार और सोचना उस लड़के के बारे में, हमें तो पैसे से मतलब है ना, बाद में उस लड़के को भी जैसे तैसे काबू में कर ही लेंगे, एक और बार ट्राई करना। मेघा सोच में पड़ गई। शाम को जब विक्रम ऑफिस से वापस लौटा तो देखा कि आरुषि और दयाल काका में किसी बात को लेकर बहस हो रही थी। दयाल काका आरुषि को तेज आवाज में डांट रहे थे। तुम्हारी बात विक्रम हरगिज नहीं मानेगा, ये ख्याल दिल से निकाल दो, ऐसा हो ही नहीं सकता, विक्रम तुम्हें कभी इस चीज की परमिशन नहीं देगा, तुम चुपचाप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो वरना घर बैठो। दयाल काका ने विक्रम की तरफ देखा तो चुप हो नाराजगी के साथ किचन में चले गए। विक्रम को समझ में नहीं आया कि आखिर माजरा क्या है, किस बात पर इन दोनों में बहस हो रही थी। वह आरुषि के पास पहुंचा और बोला, क्या बात है, काका तुम्हें क्यों डांट रहे थे, क्या तुमने कोई शैतानी की है, और क्या नहीं मानूंगा मैं।
आरुषि ने डरते हुए अपना टेस्ट पेपर विक्रम के सामने कर दिया। विक्रम ने जब वह पेपर देखा तो पाया कि आरुषि आज के मैथ्स टेस्ट में फेल हो गई है। उसके 20 में से केवल 3 नंबर ही थे। विक्रम ने थोड़ी नाराजगी से आरुषि की तरफ देखा तो उसने खुद से ही बोलना शुरू कर दिया, भाई मैं क्या करूं? मुझे इन मैम का पढ़ाया हुआ कुछ समझ नहीं आता। यह अच्छा तो पढ़ाती है लेकिन मेरे डाउट्स क्लियर नहीं हो पाते। जब विविधा मैम पढ़ाती थी तो सब अच्छे से समझ में आता था। पूछो काका से, पहले जब भी टेस्ट हुए तो मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आते थे। अब जब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूं? मेरी पढ़ाई का लॉस हो जाएगा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि विविधा मैम मुझे फिर से पढ़ाने लगे। अगले साल मेरे बोर्ड्स एग्जाम्स हैं। जब अभी मेरे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फिर मैं 10th में कैसे अच्छे मार्क्स लाऊंगी? विक्रम कुछ कहने को हुआ कि किचन से दयाल काका वहां आ गए। कहती है कि भाई को बोलो, विविधा मैम को कैसे भी वापस क्लास में लौटा दो या फिर उनसे ट्यूशन लगाना है। अगर वह मेरे घर नहीं आना चाहती तो मैं उनके घर चली जाऊंगी। अब तुम ही बताओ कि भला ऐसा मुनासिब है क्या? विक्रम बोला, काका मैं कह रहा था कि। दयाल काका उसकी बात काट कर बोले, तुम पहले मेरी बात सुनो। वह विक्रम के पास आ धीमी आवाज में बोले, जिस ट्रस्टी से तुमने कहकर विविधा को क्लास से हटवाया था उसे विविधा को वापस क्लास देने को कहोगे तो वह तो यही सोचेगा कि क्या लड़का पागल हो गया है। कभी कहता है कि हटा दो और कभी कहता है कि वापस क्लास दो। विविधा को तुम इस घर में रोज आने नहीं देना चाहते क्योंकि रोज रोज उसे तुम भला कैसे सहन कर पाओगे? फिर विविधा भी तो इस घर में नहीं आना चाहती। अब तो कल्पना भी आ गई है तो आरुषि को हम विविधा के घर ट्यूशन पढ़ने नहीं भेज सकते। यह हमारी नजरों के सामने हर वक्त रहेगी कैसे? विक्रम बोला, आपको क्या लगता है कि वह यहाँ आने के लिए मानेगी? दयाल काका बोले, देखो बेटा सच कहूं तो तुम्हारी या मेरी बात होती तो नहीं मानती, लेकिन जब पता चलेगा कि आरुषि को मैथ्स में दिक्कत हो रही है तो उसकी मदद को ना नहीं कहेगी। विक्रम बोला, क्या इस पूरे शहर में एक आपकी ही विविधा बची है? शहर में और भी कई मैथ्स टीचर हैं, उनसे बात कीजिए। दयाल काका तो पहले ही जवाब सोच कर बैठे थे। विक्रम की बात पर वो जल्दी से बोले, क्या गारंटी है कि जिस अपने पन और प्यार के साथ विविधा आरुषि को पढ़ाएगी वैसे ही बाकी ट्यूशन वाले भी पढ़ाएंगे? तुम्हें तो पता ही है कि कई टीचर तो बात बात पर सजा देते हैं। हमारी आरुषि को हमें पढ़ाना है या सजा दिलवाना है? विक्रम अब चुप हो गया। दयाल काका यह देख तेज आवाज बोले, देखा आरुषि बिटिया, हो गए ना तुम्हारे भाई चुप। मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि विक्रम नहीं मानेगा। भले ही तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान हो जाए लेकिन विक्रम अपनी जिद कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो, लेकिन विक्रम अपनी जिद से पीछे नहीं हटेगा। आरुषि रूनी सूरत बनाकर खड़ी हो गई। उसे यूं उदास देख विक्रम सोच में पड़ गया, दयाल काका की भी बात सही है, विविधा वाकई में उसका ध्यान अच्छे से रखती है। दयाल काका आरुषि दोनों उत्सुकता से विक्रम की तरफ देखने लगे। कुछ वक्त बाद विक्रम बोला, ठीक है आप विविधा से बात कर लीजिए कि क्या वह आरुषि को ट्यूशन देने के लिए तैयार है। अगर उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, वह बस मेरे काम में टांग ना अड़ाए। ये बात उसे अच्छे से समझा दीजिएगा। विक्रम अब सीधे अपने कमरे में चला गया। उसके जाने के बाद दयाल काका और आरुषि ने एक दूसरे को हाई फाई दिया। आरुषि बोली, आपका प्लान तो काम कर गया काका, भाई ने परमिशन दे दी, अब विविधा मैम यहाँ आ सकेंगी। दयाल काका बोले, अभी कहाँ बेटा, पहले विविधा बिटिया को भी तो मनाना है। तुम उसे कॉल पर बात करो, थोड़ा रो धो लेना, वो जल्दी मान जाएगी तुमसे। आरुषि ने विविधा को फोन किया और स्पीकर ऑन कर दिया ताकि काका भी उनकी बात सुन सके। आरुषि ने विविधा को बताया कि वह मैथ्स टेस्ट में फेल हो गई और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगले साल बोर्ड्स में पता नहीं क्या होगा, भाई ने उसे आज बहुत डांटा।
कह रहे थे कि अगर दोबारा फेल हुई तो सजा मिलेगी। ये बोल के आरुषि इमोशनल हो गई। विविधा बोली, ओ अच्छा, तो तुम इसलिए आज इतनी खामोश थी, यह बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आरुषि बोली, प्लीज मुझे ट्यूशन के लिए हाँ बोल दो ना। विविधा बोली, स्कूल में पूछ लिया करो जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं। लेकिन स्कूल में इतना टाइम नहीं होता ना। विविधा बोली, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं उस घर में नहीं आऊंगी और विक्रम तुम्हें मेरे घर आने नहीं देगा। दयाल काका ने आरुषि से फोन ले लिया। विक्रम फिलहाल तुम्हारे तो क्या किसी के भी घर नहीं जाने देगा आरुषि को। बेटा तुम यही क्यों नहीं आती, भूल जाओ पुरानी बातों को। विविधा बोली, अंकल आरुषि को ट्यूशन देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैं उस घर में नहीं आऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। दयाल काका कुछ सोच कर बोले, ठीक है तो फिर मैं बीच वाला रास्ता निकालता हूँ ताकि तुम्हारी बात भी रह जाए और आरुषि का भी काम हो जाएगा। विविधा बोली, वो कैसे? आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।